हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, डी फैसल के हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के बारे में हम काफी कुछ क्लास में हमने देखा था, क्या तुर्क आक्रमण और तुर्क आक्रमण को हमने कहाँ तक बार 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था। 17 बार में से सारी वो माना जाता है 1025 का 16वें नंबर का आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर किया गया था, और कहा जाता है इसके पश्चात जो इसने 1027 में जो था वो कौन तो जाटों के ऊपर कर आक्रमण का कहा जाता है क्या था कारण का। एक हजार तीस अजनबी की इसका अंत में कहा जाता है, इसका अंत शासक है गजनी प्रदेश का अंतिम शासक, या कहें कि अंत शासक मान मलिक खुश को माना जाता है। और मलिक 1192 की बात करें 1192 इस कृष्ण क्या पढ़ रहे थे हम आक्रमण बात कर रहे थे। यहां पर गयासुद्दीन गोरी क्या बड़ा ही भाई होता है, एक कहा जाता है कि दिल्ली का बात करते हैं, यहाँ पर कहा जाता है 1100 के आसपास बात करें 1100 के आसपास बात चलेगा। अब जो आगे बढ़ने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं कि 1163 बात करें 1163 और रियासत की स्थापना की के द्वारा 1100 चलिए 1163 ईस्वी बात करें 1163 स्थापना की जाती है भाई 1163 और राज्य राज्य स्थापना की द्वारा की जाती है गयासुद्दीन द्वारा गया मोहम्मद गयासुद्दीन मोहम्मद बिन स्वाम के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की जाती है। गोर इसकी स्थापना की है या गोर रियासत की पश्चात गयासुद्दीन शाम गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम बात करें तो यार दोस्तों है कि हम मोहम्मद गोरी का छोटा भाई किसका छोटा भाई का छोटा भाई का भाई छोटा भाई होता है नाम क्या था प्यारे दोस्त देखिएगा, इसका जो छोटा भाई था प्यारे दोस्त का मोहम्मद का जो छोटा भाई है मुहम्मद बिन साम क्या इन
मोहम्मद बिन साम ऐसा नाम है ना। और ये कौन है प्यारे दोस्तों, ये आगे चलकर नाम से प्रसिद्ध है मोहम्मद गोरी के नाम से, यही नाम से प्रसिद्ध है आगे चलकर, आगे जाकर, आगे जाकर मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध होता है मोहम्मद गोरी के नाम से, के नाम से होता है मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध होता है, अर्थात यही गोरी है और इसका वास्तविक नाम गोरी का मूल नाम जो अपने भारत के ऊपर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था उसका नाम मूल नाम क्या था, मुइजुद्दीन कियाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसका पूरा नाम मिलता है प्यारे दोस्तों और मोहम्मद गोरी के नाम से आता है और कहा जाता है करता है इसके भाई के द्वारा की जाती है और साम्राज्य की स्थापना की जाती है। बाद जो शासक बनता है वास्तविक नाम मुइजुद्दीन कियाबुद्दीन मोहम्मद नाम मिलता है, क्या मिलता है नाम मिलता है वास्तविक नाम है भाई का। अब बात करें तो मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किए या भारत के ऊपर अनेक आक्रमण और इसका उद्देश्य जो था आक्रमण का उद्देश्य हुआ करता था कि भाई हाँ क्या था भाई सबसे प्रमुख उद्देश्य था यहाँ पर धन लूटना, क्या था धन को लूटा जाए और धन को लूटपाट मचा जाए और लूटपाट करने के स्थापित कर। अभी तक जितने तेरे आए थे जितने आक्रमणकारी आए थे उसका क्या काम था भाई, उसका काम था कि यहाँ पर ले जाया जाए मात्र इतना ही उद्देश्य। लेकिन यहाँ पर शासन सत्ता की स्थापना क्या था इसका उद्देश्य था कि भारत पर जाऊंगा भारत पर वहां जीतने स्थापित करूंगा ऐसा इसका उद्देश्य। इससे पहले तुर्की आक्रमण अरब आक्रमण हुए अरब आक्रमण आक्रमणकारियों का यही चाहे लूट लें और लूटने के बाद क्या करे तो वापस लौट जाया करते लेकिन किसी क्या किसी ने नहीं सोचा कि ये स्थापित भाई चलिए तो आगे बातें करने जा रहे हैं भाई बात करने जा रहे मधुगोरी मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम नाम क्या था भाई का वास्तविक नाम हमने देखा था क्या नाम था इसका देखिएगा इसका मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या है हमें क्या था भाई मुइजुद्दीन कियाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम
इसका वास्तविक नाम सियाबुद्दीन यानी कि मोइजुद्दीन सियाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम का गोरी का वास्तविक नाम द्वारा 1133 साम के द्वारा क्या किया था गोर साम्राज्य के पश्चात ये शासक बन जाने के पश्चात ये भारत पर आक्रमण करता है और भारत पर आक्रमण की बात करें भारत पर आक्रमण क्या करता है ये भारत पर आक्रमण आक्रमण करता है आक्रमण उद्देश्य क्या बात करें उद्देश्य क्या था उद्देश्य था इसका भारत पर जो आक्रमण करता उद्देश्य मान का उद्देश्य था भारत को कर शासन सत्ता स्थापित करना और भारत को या तो दूसरा भारत को ये दोनों उद्देश्य थे इसके कहा जाता है शासन स्थापित करना चाहता था साम्राज्य स्थापित करना चाहता था या शासन स्थापित करना चाहता था गोरी ने अपना प्रथम आक्रमण कहा जाता जो है प्रथम आक्रमण अगर बात करें तो आक्रमण भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 अब किया भाई 1175 तान के ऊपर किया तान पर कहा जाता है कि यह भारत का प्रथम आक्रमण या गोरी का प्रथम आक्रमण है और मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है आक्रमण बाद ये 1176 का आक्रमण बाद 1178 में फिर आक्रमण करता है कई बार आक्रमण किए थे कई आक्रमण यहां ध्यान रखिए खुद गोरी ने भारत पर किया आक्रमण पर कई आक्रमण गोरी ने साथ जो दूसरा आक्रमण फर्स्ट आक्रमण पहला जो आक्रमण द्वारा भारत पर के ऊपर और मुल्तान में कहा जाता है ये विजय होता है इस आक्रमण ये क्या होता है ये गोरी विजय होता है क्या होता है गोरी की विजय होती होती क्या होती है कहा जाता है मुल्तान के ऊपर गोरी की विजय हो जाने के बाद दूसरी बार आक्रमण 1176 दोनों तो में कहा जाता है गोरी ये रहता है ठीक है तो दूसरा आक्रमण सेकंड आक्रमण आक्रमण ये किस करता है सिंध के ऊपर करता है इसमें भी गोरी विजय रहा में आक्रमण में ही गोरी विजय रहा भाई मोहम्मद गोरी इस आक्रमण में भी मोहम्मद गोरी विजय रहा आक्रमण कब किया गया था दूसरा जो आक्रमण किया गया 1176 में किया गया था और इस युद्ध में भी गोरी या मोहम्मद गोरी कहा जाता है कि दोनों में ही दोनों आक्रमण मन ने
इसके रुचि। अब जज्बा और बढ़ जाता है, जीतने के बाद जीत मिल जाती है, जीत के बाद फिर जीत को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। प्रकार से आप भी जुड़े रहिए, प्रकार से आपको एक मिल जाएगी, अनेक आपके कदम चूमने लग जाएगी। पहले ये जो गौरी से कभी हारना नहीं चाहता था, गौरी के जीवन से बहुत बड़ी सीख आपको, और मोहम्मद गौरी का जैसा कई बार इसने आक्रमणों पराजय का सामने किया, लेकिन कभी नहीं देखा ये आगे बढ़ने की सोचता रहा, और हार के बाद भी प्राप्त करने का उस कारण कहा जाता है इसने एक नहीं दो नहीं कई सारे आक्रमणों में भारत पर विजय प्राप्त की। भारत पर ही नहीं बल्कि कई सारे आक्रमणों प्राप्त करने क्या कंडीशन आती है कि बहुत सारे आक्रमणों तो इसके मारे कहा जाता है कि मोहम्मदपुरी इतने खतरनाक प्रदर्शन करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, और बात करें तो कहा जाता है कि इसके पश्चात कहा जाता है कि इसका जो आक्रमण इसका गुजरात के ऊपर होता है। इसकी बात करें भाई का तीसरा जो आक्रमण माना जाता है वो गुजरात के ऊपर 1178 में गुजरात का शासक कहा जाता है कि भीमदेव द्वितीय था, और भीमदेव आक्रमण करता है, आक्रमण कहा जाता है माता या इसकी दादी हुआ करती थी, कौन सी थी, माया या महा नायिका देवी का नाम मिलता है। पर दोस्तों नायिका देवी कहा जाता है भयंकर तरीके से देवी पराजित कर, नायिका देवी इस आक्रमण का नेतृत्व गुजरात के भी जो आक्रमण होता है नायिका देवी पराजित कर एक महिला के द्वारा गुजरात के ऊपर पर करता है आक्रमण करता है 1168 आक्रमण में तीसरे आक्रमण क्या मिलती है असफलता मिलती है। प्रारंभिक दो आक्रमण के जीत जाता है, कौन जीत जाता है जबरदस्त तरीके जाता है, और कहा जाता है अब लेकिन तीसरे आक्रमण राज्य का सामना करना पड़ता है। किससे हारता है ये ओम भीम द्वारा इस रात के 1178 के आक्रमण समझ में आ गया। प्यारे दोस्तों क्या क्या कंडीशन थी देखिएगा, एक्शन आक्रमण आक्रमण का आक्रमण 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 की बात करें कब हुआ भाई 1178 का आक्रमण हुआ हुआ एक तो मोहम्मद गौरी कौन आपका मोहम्मद गौरी वर्षे होता है रात में तो मोहम्मद गौरी वर्षे था गुजरात का शासक था अहिलवाड़ा जो पाड़ा में पड़ता है भीम कहा जाता है। अब कहा जाता है इसमें कौन विजय होता है, इसमें विजय क्या होता है भीम के आक्रमण में 1178 विजय कारण बताए काबू के समीप लड़ा जाता है रात पर था ये जो युद्ध है कहाँ पर लड़ा गया था माउंट आबू के कहाँ पर माउंट आबू आबू के समीप लड़ा गया था क्या कहाँ लड़ा गया था भाई ये युद्ध माउंट आबू के लड़ा गया युद्ध माना जाता है कहा जाता है। बात करें क्या था उसका नेतृत्व का नेतृत्व भीम देव माता नायिका देवी ने किया का नेतृत्व द्वारा किया गया नायिका देवी के द्वारा किया गया और इसके क्या करवा दिए टिका दी धूल चटा दी गौरी को बुरी तरह से पराजित किया तो गौरी को बुरी तरह से पराजित किया जाता है। तो गौरी की हार हुई और भारत में इसकी हार मानी जाती है। युद्ध में
की हार हुई, हार हुई यह गोरी की, गोरी भारत में प्रथम हार, अर्थात ये पहला युद्ध था जिसमें ये क्या हुआ, असफल, कौन गोरी मोहम्मद हार मानी जाती है, गुजरात के अहमदाबाद या पराजित हो, पराजित हो यहाँ पर बात करें कि पराजित हो जाता है। इसके पश्चात मुख्य जो आक्रमण आता है आपके सामने प्यारे दोस्तों, उसके बाद तराइन का युद्ध, और तराइन के युद्ध में कहा जाता है, तराइन के युद्ध की बात करें तो प्यारे दोस्तों तराइन के युद्ध राज से पृथ्वीराज चौहान शासक था, राज तृतीय और पृथ्वीराज तृतीय और तराइन के युद्ध में भी इसको पराजय का सामना करता है, तराइन के पराजय का मोहम्मद इससे पराजित होता है। ये चौहान खतरनाक तरीके से हराता है इसे, कई युद्धों में कहा जाता है, कुछ सारे इतिहासकार तो कहते हैं कई कर दिया था, लेकिन कहा जाता है कि तराइन के करनाल के पास हरियाणा और तराइन के मैदान में ये लड़ा जाता है। पैर दो कब लड़ा जाता है, प्राणा में तराइन का प्रथम युद्ध 1181 लड़ा गया, मोहम्मद गोरी और किसकी राज चौहान के मध्य जाता है, राज चौहान आ जाता है, राज चौहान की यहाँ बात करें खांडे राव और एकता गोविंद का चौहान के दम पर ये कहा जाता है ये प्राप्त कर, ये प्राप्त कर लेता है तो इसका जबरदस्त बढ़ जाता है, राज चौहान का कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसका कॉन्फिडेंस प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाने के पश्चात फिर यहाँ से हार जाता है, हार जाने के पश्चात, हार जाने के पश्चात गोरी घर बढ़ जाता है, वापस गोरी में जुटाता है, और एक साल बाद 1112 युद्ध कहा जाता है कि कुआमुल मुल्क नामक एक का जो ये इसके पास राज के पास भेजता है और कहता है कि आप अजिंता स्वीकार कर लीजिए, क्या कहता है अजिंता स्वीकार कर लीजिए, भाई अभी अजिंता कहाँ, अभी तो दो दो के मारा है साला, पटक पटक के मारा है, और अब कह रहा है कि अजिंता स्वीकार किसे, किसे अजिंता स्वीकार कर लो, तो पृथ्वीराज का तो कॉन्फिडेंस सातवें आस में था कि अभी तो धोया है इसको, लेकिन यहाँ क्या कर दी खान ने, तो कहा जाता है कि यहाँ बंदी ठीक है मेरे दोस्तों, कंडीशन ये थी कि बंदी बना छोड़ दिया, छोड़ देना वापस से मारा नहीं, आज की अगर इस गलती को नहीं करता तो दूसरा आक्रमण का सामना करना पड़ता और हो सकता अर्थात मुगल साम्राज्य का अंत गोरी के हाथों में मार देता, तो का तो कोई मतलब ही व्यास्त तो के लिए बना ही नहीं है भाई, सबसे बड़ी बात तो जो हो गई वही पढ़ रहे हैं, और हो गई तो हो गई, हो जाने के पश्चात क्या क्या घटना। अब कहा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, लेकिन तो कहा जाता है कि एक अपने दूत को किसके पास भेजता है, सिवाय मुल्क को किसके पास भेजता है, अर्थात सिवाय उल मुल्क कहाँ भेजता है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है, सिवाय मुल्क द्वारा कहता है कि जाओ कि आप मोहम्मद गोरी स्वीकार कर लो, अधीनता स्वीकार कर लें, प्रसाद व्यासवान से प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान ने, और विजय प्राप्त करने वाला अधीनता स्वीकार करेगा मरे नहीं कर, तो कहा जाता है कि हाड़ाओं का चौहानों का खून था, तो वैसे ही रग रग में कहा जाता है ज्वाला भड़क रही थी, तो आने दे साले गोरी को फिर मार लेंगे, फिर मार लेंगे की, और कहा जाता है वही गोरी तराइन के द्वितीय में कहा जाता है 1192 में एक साल बाद फिर आ जाता है, इधर से जल्दीबाजी मचाता है कौन पृथ्वीराज चौहान, कहा जाता है इस समय इसके साथ कोई सेना जी अपनी सेना चला जाता है, चला जाता है गोरी से आमने सामने होता है, भिड़ता है, जबरदस्त युद्ध होता है,
और जबरदस्त युद्ध होने के पश्चात प्यारे दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है? पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। और जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान के पराजित हो जाने के पश्चात ये पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाता है, और ले जाने के पश्चात कहा जाता है गौर प्रदेश है, और गौर प्रदेश जाने के पश्चात कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि बाद में मारा जाता है, बंदी बनाकर तो ले बंदी बनाकर ले गया था। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब पृथ्वीराज को ये बंदी बनाकर ले गया तो बंदी बनाकर ले जाने के पश्चात वहां पर करा इसको और कैद करने के पश्चात पृथ्वीराज के बारे में कहा जाता है कि शब्द भेदी बाण चलाया करता था। कौन? पृथ्वीराज, अर्थात आवाज पर तीर चलाया करता था। और इसी प्रकार से मोहम्मद गोरी ने एक छोटा सा महल बनाया 4-5 मंजिल का, और उसके ऊपर कौन? मोहम्मद गोरी जा बैठा। और जा बैठने के पश्चात पर दोस्तों इधर से किसी बाण छोड़ा, नीचे पृथ्वीराज चौहान को खड़ा कर दिया। और कहा जाता है पुराण कहा जाता है कौन का दरबारी विद्वान था उसके साथ में लेकर चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई अपने शब्द अपने शब्दों के माध्यम से उसको समझाता है, पृथ्वीराज चौहान को समझाता है कि चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है, मत चूके चो। क्या? चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ऐसा कौन कहता है भाई? चंद्रबरदाई के द्वारा कहा जाता है। किसको जाता है? ये पृथ्वीराज चौहान को सुना ध्यान रखी कि कहा जाता है कि ये जाते ही मोहम्मद गोरी क्या करता है कि फुटवा देता है, क्या है आपकी पर फुटवा देता है। तो आंखें फुटवा देने के बाद इससे चौहान से तेरी और क्या इच्छा है, तो ये आंखें फोड़िए ना डाल देगी। ऐसा और कह देता है। कौन कह देता है? पृथ्वीराज चौहान कह देता है कि जो तूने आंखें फोड़ी ना मेरी, इनमें नमक मिर्चियां और डाल देगी। ऐसा कह देता है, कहा जाता है ली जाती है। लेकिन कहा जाता है इतिहासकार इसे का महल का है चौहान आता है बाण चलाने के बाद गोरी क्या आ जाता है भाई, नीचे आ जाता है, बाद क्या होता है मर। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो चंदावर का युद्ध था, चंदावर के युद्ध का कहा जाता है कि कब 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध कौन जीतता है भाई? जाता है कहा पाल को जयचंद गढ़वाल को पराजित करता है। पराजित करने के पश्चात फिर क्या कंडीशन के प्राप्त करने पर ऐबक को किसको प्यार दोस्तों अपने कहा जाता है कि ऐबक को कहां पर प्यार दोस्तों भारत में भारत का प्रशासक नहीं के अभियान कहाँ चला जाता है? मध्य गोरी और एशिया के अभियान चला जाने के पश्चात कहा जाता है दैमक नामक स्थान पर। कहाँ पर? दैमक नामक स्थान पर 1206। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुकरों द्वारा तो बंदी बना लिया जाता है, कुकरों द्वारा इसको मार दिया जाता है गोरी को याद रखना। तो ये चीजें थी गोरी के बारे में। अब इनको लिखते हैं एक बार। ये तो तराइन का प्रथम युद्ध कह लेता हूँ। क्या? तराइन का प्रथम युद्ध 1193 कहाँ होता है भाई? ये तराइन का 1300 कहाँ है? ये है आपका हरियाणा करनाल के पास। करनाल तराइन का मैदान है, करनाल हरियाणा में पड़ता है। वहां पर करनाल हरियाणा के पास पड़ता है। बात करें तरफ तो मोहम्मद गोरी प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय का शासक था। साथ इसके सेनापति की बात करें, सेनापति था एक तो खंडे राव। कौन था दोस्तों? खंडे राव।
था गोविंद राज, कौन था गोविंद राज, कौन था भाई खंडेराव, और एक था गोविंद राज भाई पृथ्वीराज चौहान के दम पर। ये कौन जीतता है तुम्हें? युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है, पृथ्वी राज पृथ्वीराज चौहान के, कौन पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। तो दूसरा युद्ध की बात करें तराइन का युद्ध, तराइन तराइन कब होता है? 1195 ठीक है। कहाँ है ये अपने, कहाँ है इनका तो मध्य लड़ा गया एक तब तो वर्सेज था भाई पूरी वर्सेज राज राज चौहान भाई, गौरी वर्षे पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहा जाता है इसमें में ये होता है आपका। इस युद्ध में, इस युद्ध में गौरी विजय होता है, ये होता है और भारत में, भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव रखता है, नींव रखता है ठीक है। भारत में तुर्की के द्वारा साम्राज्य की, तुर्क साम्राज्य की नींव डाली जाती है। युद्ध में किसकी? मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और कहा जाता है प्यारे दोस्तों इस युद्ध से पहले 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 गोरी ने, गोरी ने अपने दूत, अपने गाय उल मुल्क को, गाय उल मुल्क, गाय उल मुल्क को पृथ्वीराज, पृथ्वी राज के पास पास भेजा था, तो भेजा था सिवाय उल मुल्क को पृथ्वीराज को के पास भेजा था, स्वीकार कर लो, क्या स्वीकार कर लो ये कहा था ठीक है। कहा जाता है प्यारे दोस्तों इसी समय इस गोरी के साथ जब का युद्ध होता है, ख्वाजा मोइन, ख्वाजा मोइनुद्दीन साथ कहाँ से, और ख्वाजा साहब इसके साथ आते हैं, आने के पश्चात ये गृह निवास या निवास स्थान अजमेर, ख्वाजा साहब साथ भारत आते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पर अजमेर, और इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि अजमेर चलेगा क्या। इस युद्ध में ही, युद्ध के समय ही में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन गोरी के साथ
आते हैं, भारत आते हैं। आते वही भारत आते हैं और अजमेर में बस जाते हैं। अजमेर में फिर राजा साहब वास करते। वास करते हैं कहाँ निवास करते हैं भाई? अजमेर में ख्वाजा साहब निवास करने लग जाते हैं, अजमेर को अपनी स्थान बना लेते हैं। कहा जाता है कि आते हैं और यहीं पर जाते हैं। तो चौहानों की हार हुई और उन्हें गया और यहाँ भारत में पाकिस्तान अपना युद्ध में युद्ध बाद पृथ्वीराज चौहान चौहान कर लिया गया द्वारा मोहम्मद और बाद में इसे मौत के घाट उतार बाद में मौत के घाट उतार दिया गया, घाट उतार दिया मार दिया गया। सीधी सी बात है, इसकी मार दिया गया खुद गोरी द्वारा किसको? चौहान। राज चौहान की जो राज चौहान की पृथ्वी पृथ्वीराज वहाँ पर है गजनी में बनी हुई चौहान की जो मान बाद में कहा जाता है। इसी प्रकार से भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और ख्वाजा साहब अपने कर्म स्थली बनाता है अजमेर को बनाता है आते हैं कर्म स्थली अपनी अजमेर को बनाते हैं अजमेर बस जाते हैं। ख्वाजा साहब के नगर कहा जाता है, कहा जाता है सारी चीजें। कहा जाता है कि ख्वाजा साहब इसके बाद यहीं पर अजमेर जाते हैं और अजमेर में कहा जाता है चिश्ती सिलसिले की स्थापना करते हैं ख्वाजा साहब के द्वारा। ख्वाजा साहब द्वारा भारत में की स्थापना की जाती स्थापना की स्थापना की ख्वाजा साहब के द्वारा ही भारत में स्थापना की चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की जाती। याद रखना अर्थात चिश्ती संप्रदाय को चलाने वाले। चलेगा आगे बात करते हैं। ये तो हो जाते हैं आपके पृथ्वीराज से हुए, इसके पश्चात हम बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों चंदावर का युद्ध। कौन सा चंदावर का युद्ध? इस कभी चर्चाएं की थी हम 1193 में। कब लड़ा गया भाई चंदावर का युद्ध? जो लड़ा जाता है प्यारे दोस्त 1194 में लड़ा जाता है, बाद में लड़ा जाता है ये, जब बीच लड़ा जाता है गोरी और जयचंद वर्तमान में कहाँ पर लड़ा जाता है? ये फिरोजाबाद। कहाँ? क्या बाद वर्तमान में जो आ जाता है फिरोजाबाद। तो किस किस से लड़ा जाता है ये ध्यान रखना आप। लड़ा जाता है ये बात करें तो मोहम्मद गोरी, बात करें मोहम्मद गोरी वर्सेज का जयचंद गढ़वाल, जयचंद चंद गढ़वाल गढ़ ये चंद गढ़वाल के द्वारा ये लड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है, मोहम्मद गोरी की विजय होती है।
होती है मोहम्मद गोरी की विजय। कहा जाता है यहाँ पर गढ़वाल को मार दिया जाता है और गोरी चौहान पर आक्रमण पर कहा जाता है कि ऐसी माना जाती है गढ़वाल और चौहान के भी कुछ मतभेद चलते हैं और मतभेद चलने के पश्चात जयचंद गढ़वाल के द्वारा ही गोरी को निमंत्रण दिया गया था तू आ और इसके ऊपर आक्रमण कर, ऊपर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर। जयचंद गढ़वाल ने ही कहा चौहान पर आक्रमण कर, ये गोरी को निमंत्रण किसने दिया था, जयचंद गढ़वाल ने ही दिया। अर्थात भारत में तो यहाँ पर राजस्थान में गोरी जाने वाला कौन है, जयचंद गढ़वाल। युद्ध में क्या होती है गोरी की क्या होती है विजय की है और जयचंद गढ़वाल को मार दिया जाता है, वो मार या नेक्स्ट लाइन से देखिएगा। पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान पर राज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आक्रमण करने के लिए जयचंद ने ही गोरी को निमंत्रण दिया था, गोरी को निमंत्रण किया था ऊपर आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण गढ़वाल ने इसको किया था, ये ध्यान रखनी आप कर दोस्तों। अब आगे बात करें बुद्धि के लिए, इस युद्ध के बाद क्या करता है, इसके बाद युद्ध के बाद गोरी के बाद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक नियुक्त कर मध्य एशिया अभियान पर चला जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक नियुक्त करता है और यहां से निकल जाता है, कहां पर अभियान आ जाता है क्या कर ली थी, और कहा जाता है उसी अभियान के दौरान इसको दैमक नामक स्थान पर दोस्तों 1206 में मोहम्मद गोरी की याद रखी। तो लिखिए तो मध्य एशिया के अभियान पर चला जाता है 1206 में खोखर जाटों के विद्रोह का दमन करने हेतु खोखर जाटों का विद्रोह का दमन करने के लिए मेरे दोस्तों हेतु ये भारत लौटा, कहाँ लौटा, ये करने हेतु यह भारत लौटा
लेकिन तैमाक नामक स्थान पर अपने तैमक नामक स्थान पर जाटों के द्वारा मार दिया गया। क्या कर दिया? खोखर जाटों को द्वारा तैमक नामक स्थान पर, खोखरों जाटों द्वारा स्थान पर, खोखर जाटों द्वारा गोरी को मार दिया गया। ये प्यारे दोस्तों, अब गौरी को मार दिया जाता है कहां पर? दैमाक नामक स्थान पर। कब? 1206 में। क्या कर दी जाती है? मार दिया जाता है। और गौरी को मार देने के पश्चात बात करें क्या कंडीशन, मौत के घाट मार जाते मर जाता है मर। अब क्या करना? अब बचता है इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? ये गौरी के द्वारा कहा गया था कि गौरी के द्वारा इसको खरीदा गया था, कहा जाता है अफगानी में खरीदा गया था। खरीदने के पश्चात ये गोरी का गुलाम था, और गोरी का गुलाम होने के कारण कहा जाता है गोरी का गुलाम तो था ही सही, गोरी का गुलाम होने के कारण ये कहां पर गुलाम वंश कौन दिन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 गुलाम वंश की स्थापना कर गुलाम वंश की स्थापना कर देने के साथ यहाँ पर सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, याद रखना, बाद भारत में गुलाम वंश स्थापना की जाती है, साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है 1206 में। 1206 20 तक कब तक चलती है भाई? दिल्ली सल्तनत। और उधर इब्राहिम लोदी की मृत्यु बाबर के द्वारा कर दी जाती है, और बाबर उसके बाद फिर कहा जाता है मुगल साम्राज्य 1526 में। और इधर 1206 में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की जाती है, पूर्ण रूप से तुर्क साम्राज्य को स्थापित किया, लेकिन कहा जाता है इसके बाद गुलाम गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। गुलाम वंश के बाद अलग अलग वंशों का काल आता है, अलग अलग का काल आने के पश्चात कहा जाता है प्यारे दोस्तों के बाद अलग अलग वंश अलग अलग टाइम पीरियड में होते हैं। तुगलक है राम वंश, सारे अलग अलग टाइम पीरियड पर होते हैं प्यारे दोस्तों। और इसकी चर्चाएं हम कर क्लास में, बहुत मजा दोस्त आने वाला है जुनून का है। और इसके साथ ही बढ़ते रहिए प्यारे दोस्तों, और जुड़े रहिए डीजे क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट जुनून के साथ। और ऐप पर नए हो तो प्यारे दोस्तों इससे भी ज़्यादा विवरण के साथ पढ़ना, तो ऐप पर क्लास क्या ऐप पर जाइए, चंद पैसे आएगा ये, बहुत सारी डिटेल से अच्छे पढ़ने पढ़िए, और आपको जानकारियां लेनी हर चीज विस्तार से पढ़ पढ़िए सब क्लासेज के ऊपर परचेज की, और कोर्स नाम मात्र क्लासेज के साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डीजे क्लासेज डालिए, वहां से ऐप को डाउनलोड की ऐप को डाउनलोड आ जाएगी आपकी। टेस्टों की भी सुविधा है, कई प्रकार के टेस्ट हैं अलग अलग, बात नहीं करके जो आप पढ़े, चाहे इलेक्ट्रिकल कोई सी भी बैंक वगैरह तैयारी कर रहे हैं, पटवारी कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं जी की, आपको सभी प्रकार के कोर्स देंगे प्यारे दोस्तों। और उसके साथ टेस्ट सीरीज ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जोश और साथ कार भरिए हमारे साथ प्यारे दोस्तों। आपको कोशिश करें जी और जान से आप हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।